हाय, माय नेम इज़ अथर्व गुप्ता एंड मैंने इस साल नीट 2024 में टोटल 618 मार्क्स स्कोर किए हैं, आउट ऑफ विच मेरे फिजिक्स में 130 मार्क्स थे। लास्ट ईयर मेरे नीट में 504 मार्क्स थे, आउट ऑफ विच मेरे फिजिक्स में 110 मार्क्स थे। लास्ट ईयर फिजिक्स में मैंने रंजन सर को मार्च में ज्वाइन किया था एंड मैंने उनसे मार्च और अप्रैल 2 महीने पढ़े। मार्च के पहले मेरे फिजिक्स में 5 से 10 मार्क्स आते थे। मुझे फिजिक्स से बहुत डर लगता था एंड मैं फिजिक्स अटेम्प्ट नहीं करता था, क्वेश्चंस बनते नहीं थे, बहुत टफ लगता था। बट लास्ट के 2 महीने मैंने सर को ज्वाइन किया था एंड 2 महीने में मेरे मार्क्स 5 से 10 से सीधे जम करके 110 में पहुंच गए थे नीट में। एंड इस साल पूरा टाइम मैंने फिजिक्स को ढंग से सर से पढ़ा एंड मेरे इस साल 130 मार्क्स आए हैं। मैंने सर को इसलिए ज्वाइन किया था और प्रेफर किया था क्योंकि सर के यहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ कम रहती है, एक साथ सारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, क्लासेस अलग रहती है, बैचेस अलग रहते हैं। नीट की बैच में स्पेशल एम्फेसिस फॉर्मूलास भी किया जाता है क्योंकि नीट में सिर्फ फॉर्मूला का खेल है। आई वुड नॉट से सिर्फ फॉर्मूला का खेल है, बट फॉर्मूला का एप्लीकेशन अगर आता है तो फिजिक्स 70-80% नीट का बन जाता है। तो सर के यहाँ शुरू से फॉर्मूलास पे एम्फेसिस किया जाता है, फॉर्मूला के एप्लीकेशन पे और फॉर्मूला को याद करने पे एम्फेसिस किया जाता है। एंड उसके अलावा सर डाउट्स भी सॉल्व करते हैं। हर क्लास के बाद DPPs दी जाती है एंड DPPs वहीं पे सॉल्व करनी होती है, वहीं पे क्लास के बाद। एंड सारे डाउट्स DPPs सॉल्व करने के बाद वहीं पे सारे बच्चों का सॉल्व किया जाता है, एक साथ सब डाउट्स डिस्कस होते हैं क्लास पे, यहीं बोर्ड पे। एंड उसके अलावा घर जाने से पहले सर सबको टारगेट्स देके जाते हैं, टारगेट्स घर से करके लाने होते हैं। अगले दिन हर एक क्वेश्चन का पर्सनली सर डाउट्स सॉल्व करते हैं। अक्टूबर नवंबर तक कोर्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है एंड बाकी के बच्चे 5-6 महीने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज पे और प्रैक्टिस पे फोकस किया जाता है। उसके अलावा क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ नीट ओरिएंटेड पढ़ा जाता है, इन द वे दैट कोई भी डेरिवेशंस पे फोकस नहीं किया जाता है। बोर्ड की अलग बात है लेकिन नीट में सिर्फ फॉर्मूलाज पे फोकस किया जाता है, कंसेप्ट पे फोकस किया जाता है। डेरिवेशंस वगैरह नॉन इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के लिए, इसलिए सर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं एंड कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते हैं। जितना नीट का सिलेबस है उतना ही सर पढ़ाते हैं। इसके अलावा क्लासेस के बाद फ्री टाइम में अगर बच्चों के पास टाइम रहता है तो सब लोग यहीं पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड उस समय सर भी रहते हैं यहाँ पे। सब बच्चे एक साथ बैठ के या तो DPP सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर सर का फोकस HCV के ऊपर भी होता है, तो बच्चे यहाँ पे बैठ के HCV भी सॉल्व करते हैं। एंड उसके अलावा जो भी एडिशनल मटेरियल लगता है सब बच्चे यहाँ पे बैठ के सॉल्व करते हैं, एक दूसरे से डाउट पूछते हैं। अगर एक दूसरे से डाउट्स नहीं रिजॉल्व हो पा रहे हैं तो फिर सर से पूछते हैं, सर आसपास ही रहते हैं, सबके पास जाके सबके पर्सनल डाउट सॉल्व करते हैं। सर के एफर्ट्स और डायरेक्टिव अप्रोच और उसके अलावा कंसिस्टेंसी के साथ आई वॉज एबल टू क्रैक दिस मच स्कोर, वरना 600 के ऊपर स्कोर करना एंड फिजिक्स में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करना मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, बिकॉज फिजिक्स से मुझे ऑलरेडी बहुत डर लगता था। बट दिस मच मार्क्स इज द प्रोडक्ट ऑफ all the things sir help karte hain।